जिस तरह से लोग हिंदी फिल्मी सिनेमा देखना पसंद करते हैं, उसी तरह से भोजपुरी सिनेमा भी दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। इन फिल्मों के गाने उन लोगों को भी बहुत पसंद आते हैं जिन्हें ये भाषा नहीं आती है, क्योंकि इन गानों में एक अलग ही मस्ती होती है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कई चर्चित एक्ट्रेस है, लेकिन रवि किशन का नाम उन एक्टर्स में शामिल है जिनके फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। सिर्फ भोजपुरी सिनेमा ही नहीं, रवि किशन को हम कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी देख चुके हैं। ऐसे में अब खबर आ रही है कि रवि किशन की बेटी भी जल्द ही अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी ज़रूर होगी कि रवि किशन की बेटी रीवा किशन भोजपुरी नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू करने वाली है। इस बात की जानकारी खुद रीवा ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है। रीवा फिल्म सबकुशल मंगल से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली है। इस फिल्म में वह मशहूर एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी के बेटे के साथ नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर करण कश्यप हैं, वह भी इस फिल्म से अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत करने वाले हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना भी नजर आने वाले हैं। रीवा सोशल साइट्स पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई ग्लैमरस फोटोज शेयर भी किए हैं। इन फोटोज़ को देखकर यही कहा जा सकता है कि रीवा बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत है। उनके फोटोज़ देखने के बाद तो साफ है कि वह सभी तरह के ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हैं। बेटी के बॉलीवुड डेब्यू की खुशी जाहिर करते हुए रवि किशन ने एक ट्वीट किया, ये उनके लिए गर्व का समय है, वो काफ़ी खुश है। उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त देते हुए कहा कि रीवा का बचपन अभिनय करते और अभिनय का गुण सीखने में बीता है और वो जन्मजात कलाकार है, ऐसे में ये उनका फ्यूचर ब्राइट है। बता दें फिल्मों में आने से पहले रीवा फेमस एक्टर नसीरुद्दीन शाह के प्ले भी कर चुकी हैं। यह नहीं, उन्होंने अमेरिका से एक्टिंग का कोर्स भी किया है। फिल्मी अड्डा से रीता की रिपोर्ट।